वेलकम ऑल ऑफ यू इन शिवा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। बच्चों, कल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में एमपीटी का रूल समझा दिया है। हालांकि मैंने कोशिश ये रखी है कि एमपीटी को ठीक प्रकार से समझाने की मैंने कोशिश की है कि किसी प्रकार का कोई पॉइंट आपका छूट ना जाए। अब इसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा हर टेंस का अंश लेते हुए और एमपीटी को समझा रहा हूं। सामान्य बेस से तो बच्चे ज्यादातर जानते ही हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कल समझा दिया है हमने। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेकर चल रहा हूं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान हिंदी अब देख लेते हैं इसका। वर्तमान जारी काल, हम चाहें तो उसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। इम्परफेक्ट माने अपूर्ण, ठीक है। तो वर्तमान अपूर्ण या जारी काल, पहचान सामान्य बेस से देख लीजिएगा। वैसे हम देखते हैं इसकी पहचान जो है हमें मिलती है, आइडेंटिफिकेशन मिलती है, वो आप जानते हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं अथवा। बच्चों, पहचान हमने देखा है तो बुक्स में केवल इतनी ही पहचान होती है, लेकिन इतनी पहचान पर्याप्त नहीं है। जब हम स्टोरियां बनाते हैं तो हमारे सामने दिक्कत आती है, तो मैं एक बेसिक लेके चल रहा हूं। स्टोरियों तक मैं आपको समझाऊंगा कि हम कहां दिक्कत करते हैं। अब अथवा क्या है, आपने देखा होगा हुआ है, हुई है और हुए हैं। इतना ही नहीं है, अभी और भी होता है, है ना। हमने देखा ये पहचान रही, इसके बाद ये पहचान रही, ठीक है ना। अब उसके बाद और क्या होता है, आपने देखा होगा ता हुआ है, ती हुई है, ती हुई है और ते हुए हैं। मैंने आपसे पहले वीडियो में, दूसरी वीडियो में कहा था कि बच्चों, में जो आपको पढ़ाऊंगा आपको कुछ नया हर टेंस में नहीं चीज दूंगा। ये मैं नया नहीं है, ये सब आता है, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया है या फिर हमने पढ़ने की कोशिश नहीं की है। देखो, ये सारी पहचानें हमारी किसकी है, कॉन्टिन्यूस की पहचान है, इम्परफेक्ट की पहचान है। मैंने आपसे भी कहा कि इसे कॉन्टिन्यूस के साथ साथ से इम्परफेक्ट टेंस भी आप कहेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, है ना। वर्तमान जारी या अपूर्ण काल इसका नाम है, ठीक है। अब इसके ट्रांसलेटिंग के रूल्स क्या होते हैं सब बच्चे जानते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, इज किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर। आर किसके लिए, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है ना। और इसके बाद एम किसके साथ लगाते हैं हम, आई के साथ। आर यू गेटिंग मी, तो देखिए हम आई के साथ लगाएंगे एम, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ लगाएंगे आर, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम, इज लगाएंगे, ठीक है। अब हम कोई सा भी सिंपल सेंटेंस लेते हैं, है ना, तो हमें बिल्कुल बहुत ही बेसिक सेंटेंस लेते हैं जो हम बेसिक सेंटेंस पढ़ते रहते हैं, उसी सेंटेंस में से कोई सेंटेंस में लेता हूं। हमारी वीडियो बच्चों आप लोग देखते रहिए, आपको हर बार एक नया पॉइंट मिलेगा, और जैसे जैसे वीडियो का आप बढ़ती चली जाएंगी तो आपको कंपटीशन लेवल पे ले जाऊंगा मैं। इसके बाद मैं पैसिव वॉइस की वीडियो बनाऊंगा, नॉन फाइनाइट वर्ब्स की वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव मिलेगा और सॉन्ग्स के साथ, गीत के साथ आपको मिलेगा, रटना आपको कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा राम, रवि दौड़ रहा है। मान लो हमने ये सेंटेंस लिया है कि रवि दौड़ रहा है, हमने ये सेंटेंस लिया है जो हमें किताबों में मिलता है, मतलब एक सेंटेंस लिया है जो हमें बुक्स में मिलता है, ठीक है ना।
तो लेकिन हमने ये नहीं सेंटेंस देखा है कि ये सेंटेंस ऐसे भी लिख सकता है क्या, रवि दौड़ता हुआ है, सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जब हम सेंटेंस को लेते हैं तो बस नियम यही है, बनाएंगे इस तरह से, रवि इज रनिंग, सेंटेंस को हमने बनाया तो वैसे ही, सेंटेंस का जो बेस है, सेंटेंस का बेस तो वही रहा जैसा हमारा बेस होना चाहिए, समझ में आ गया बच्चों, जो सेंटेंस का बेस होना चाहिए वही बेस रहा। अब क्या होता है, पहला सेंटेंस हमने आपको बता दिया अफर्मेटिव में, अगर नेगेटिव में भी हम लेते इसे तो क्या बनाते, रवि नहीं दौड़ रहा है, रवि दौड़ता हुआ नहीं है, तो रवि इज नॉट रनिंग, ऐसे बनाते ना। उसके बाद क्या होता है बच्चे, हो अगर हम और सेंटेंस को थोड़ा और इलाज करते हैं इसको, तो क्या लेंगे हम, वे लोग है ना गाना गाते हुए आ रहे हैं। बच्चों हम आपसे फिर भी कह रहे हैं, हम कोई नया नहीं आपको दे पा रहे हैं अभी भी, यहां पर कोई नया नहीं है, यहां पर एक नई क्रिएशन लाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए गाते हुए ये हमने एक नई टर्म इसमें डाल दी, एक नया पार्ट ऑफ स्पीच डाल दिया, तो ऐसे सेंटेंस आ जाते तो कठिन हो जाते हैं हमारे लिए और बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो स्टोरियों में यहां करके दिक्कत होती है बच्चों को। वे लोग आ रहे हैं, हमें बनाना ये है वे लोग आ रहे हैं, तो अपनाइए ऐसे ही, दे पहले भी हम बता चुके हैं आपको इससे, तो अब देखिएगा ऐसे हम चलाएंगे ऐसे। अब इसको कैसे हम बनाएंगे सेंटेंस को, वे लोग, तो हमने यहां पर कल भी वीडियो में बता चुके हैं कि यहां पर दे लगेगा, दे के साथ पीपल नहीं लगेगा, दे के साथ पीपल नहीं लगेगा, दे के साथ पीपल नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या, जैसे दे वे लोग, दे आर कमिंग, दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं। अब कैसे आ रहे हैं, गाना गाते हुए, तो क्या करेंगे, सिंगिंग द सॉन्ग, इसे हम नेगेटिव में भी ले सकते हैं, वे गाना गाते हुए नहीं आ रहे हैं, तो दे आर नॉट कमिंग सिंगिंग द सॉन्ग, तो हमने ये एक नई चीज में डाल दी जो कि क्या है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। अब हम चलते हैं बच्चों एमपीटी के रूल को हम दे देते हैं इसी में, जो कल हम आपको समझा चुके हैं, एमपीटी को फिर रिवाइज कर लीजिएगा, और आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है और याद भी करना है, कल पिछली वीडियो से आप समझ लेंगे, ठीक है। और हम लेकिन आपको फिर से एक सेंटेंस बता दे रहे हैं क्या होता है, मैनर प्लेस टाइम बता चुका हूं मैं, और जैसे वह कहां क्यों कब कैसे पढ़ रहा है, वह कहां क्यों कब कैसे पढ़ रहा है। तो मैंने आपको बताया जब एक से अधिक इंट्रोगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या लेते हैं, मैं एम को ले लेते हैं, कहने का मतलब मैनर को लेकर के पहले सेंटेंस बनाते हैं, वह कैसे पढ़ रहा है, इसको ऐसे बना देंगे पहले, तो हाउ डज ही रीडिंग या स्टडी में कुछ भी लगा सकते हैं, देयर नो कंडीशन हियर, ठीक है, यहां पर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। हाउ डज ही रीडिंग, वह कैसे पढ़ रहा है। अब ले लीजिए बच्चों यहां पर क्या, अब ले लीजिएगा हमारा क्या ले लेंगे हम, एमपीटी, एम पहले पे आ गया, पी ले लीजिए, पी हमारा कहां है, हमारे पास है, तो वीएल ले लिया बेटा हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या ले लिया, वैन ले लिया, वैन, और उसके बाद एंड लगाया, बचा हुआ क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड हमारा ये है, तो क्या लगा दिया हमने, वाय, कुछ समझ लीजिए। अब हम ले लेते, देखिएगा एम पी और टी।